हैप्पी दिवाली। आज के दिन ही राम जी जब अयोध्या वापस लौटे थे वनवास काट के, तो उनकी खुशी में ये सारे दीपावली के दिए जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं और इसको बड़ी खुशी से मनाया जाता है। हमारे मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, सभी जो है सब मिलजुल के दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस भी और गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी। एक हिंदू मुस्लिम में दोस्ती पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है, रिलीजन बाद में आता है, इंसानियत पहले आती है। मैं हूं सनाम जिद। नाज़रीन, पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी आज अपने पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके इस खुशियों भरे त्यौहार में हिस्सा बनने के लिए आज मैं मौजूद हूं कृष्णा मंदिर लाहौर में। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में, खास कर लाहौर में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी अपने दिवाली के इस त्यौहार को किस तरह से मना रही है। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? बेला। बेला, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कहाँ से आएंगे दिवाली सेलिब्रेशन के लिए? लाहौर से। कब से रह लिए लाहौर में? लाहौर से बॉर्न, जब से पैदा हुई लाहौर में ही है। सही। कैसा लग रहा है दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट करते हुए? त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, हर साल सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है। दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? दिवाली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि रावण जो थे ना, वो सीता को किडनैप करके ले गए थे ना, तो फिर राम जी ने उन्हें छुड़ा के लाए थे ना, तो 14 साल का वनवास हुआ था उन्हें, और 14 सालों के बाद जब वो आए थे ना, तो उनके आने की खुशी में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ कर ली और क्या क्या करनी बाकी है? अभी पूजा वगैरह तो होनी है, अभी तो ये स्लोपा वगैरह जो है ना वो डिवाइडेड कर रहे हैं, जो भी गेस्ट आए हैं ना, चीफ गेस्ट वगैरह आए हैं ना, उनको दे रहे हैं। उसके बाद अभी पूजा वगैरह होगी, आरती होगी और ये सब कुछ होगा। मैम, दिवाली की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं? एक्चुअली मुझे राम जी से बहुत प्यार है। अच्छा। हाँ जी, तो राम जी की वजह से मैं दिवाली जो है ना सेलिब्रेट करती हूँ। मेरी जो फेवरेट पर्सनैलिटी है वो राम जी हैं। क्या वजह उसकी? उसकी वजह ये है कि वो बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि इतने मेरे ख्याल में ज़ाहिर है देवता थे, तो वो बहुत ही अच्छे थे, और उनका बात करने का अंदाज, सब कुछ, जो कुछ भी मैंने फिल्मों में देखा है या मैंने गीता या रामायण में पढ़ा है ना, तो बस राम जी की पर्सनैलिटी से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, इसीलिए मैं होली जो सॉरी दिवाली सेलिब्रेट करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये दिवाली सेलिब्रेट करती हूँ। अच्छा, कहा जाता है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ महफूज नहीं है, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते, क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्योंकि आप बाय बॉर्न जो हैं वो इसी ज़मीन पर रह रही हैं, आपने यहाँ पर हर तरह का उतार चढ़ाव देखा होगा, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये है कि देखो, अगर एक घर में रहते हुए बहन भाइयों की भी आपस में लड़ाई हो जाती है, ये तो छोटा मोटा होता है ना, लेकिन कोई ऐसी रुकावट नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अपने सारे जितने भी फंक्शंस हैं, जो कुछ भी हैं, सही तरीके से खुल के सेलिब्रेट करते हैं, कोई ऐसी रुकावट नहीं आती। हमारे मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, सभी जो है सब मिलजुल के दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस भी, और गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी। मतलब सबकी खुशियों में बराबर के शरीक होते हैं? बिल्कुल बराबर के शरीक होते हैं। क्या कहेंगी आज के दिवाली के इस त्यौहार के बारे में, अरेंजमेंट्स कैसे हैं? बहुत अच्छे, और ये हर दफ़ा हर साल में जब भी लगाते हैं एक नए सिस्टम से लगाते हैं, और हम बहुत इंजॉयमेंट होती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन ही राम जी जब अयोध्या वापस लौटे थे वनवास काट के, तो उनकी खुशी में ये सारे दीपावली के दिए जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, और इसको बड़ी खुशी से मनाया जाता है। और ये इस त्यौहार में लोग माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, जिससे धन धन लक्ष्मी आती है, जिसको बोलते हैं कि जो लोग गरीब और दरिद्रा में फंसे होते हैं वो निकल जाते हैं, उनकी बहुत सारी शुभकामनाएँ जो होती हैं ना वो पूरी हो जाती हैं, माता उन पे अपनी कृपा करती हैं। आज रात में जो माता आएंगी, जब वो अपने गरीब बच्चों के घरों में अपना गृह प्रवेश करेंगी, उनसे ये होगा कि उनके सारे दलिद्रता और उनकी परेशानियां, दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे,
वो उन पे अपनी कृपा करके जाएंगी। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में रहते हुए एज अ हिंदू कम्युनिटी क्या आप खुद को महफूज समझती हैं? बिल्कुल, हमें यहाँ हर तरह की सहूलत है, हर तरह की बात जो जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमारी सुनी जाती है और हम मनवाते हैं तो मानी भी जाती है। हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम खुश हैं। आपको वो तमाम राइट्स मिलते हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मिलते हैं? जी बिल्कुल, सब कुछ मिलता है, ऐसी तो कोई परेशानी। अब आप देख ही रही हैं कि इतना बड़ा ये जो सिस्टम चल रहा है किस वजह से चल रहा है। आखिर ये मुस्लिम बहन भाई या हिंदू बहन भाई या फिर क्रिश्चियन बहन भाई तावन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये सब हो रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह कि दिवाली के इस त्यौहार में सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं है बल्कि आपके इस खुशियों भरे त्यौहार में हिस्सा लेने के लिए मुसलमान, ईसाई, सिख बरादरी तक यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ किसी को मना नहीं किया जाता, यहाँ सब एक भाई भाई हैं और यहाँ किसी को ये नहीं कहा जाता कि आप मुस्लिम आप निकल जाओ, आप क्रिश्चियन आप निकल जाओ। हम यहाँ सब कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। मजे की बात यह है कि हम दोनों का ड्रेस का कलर मैच हो गया। थैंक यू। मुझे बताएं कि इस तैयारी में कितना टाइम लगा आपको? इस तैयारी में मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा। बस बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से आप। मुझे ये बताएं कि वो लोग जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी सेफ नहीं है, खासकर हिंदू कम्युनिटी को जो है वो फोर्सफुली कन्वर्ट करने, ऐसा कुछ नहीं, सवाल तो सुन ले, ऐसा कुछ नहीं है, सवाल से पहले इनकार है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे तकरीबन 29 साल हो गए हैं यहाँ पर, सबके साथ मैं हर त्यौहार में होती हूँ। 12 रबीउल अव्वल भी मनाते हैं हम लोग, दिवाली भी मनाते हैं हम लोग, क्रिसमस भी मनाते हैं, लेकिन ऐसा कोई मसला मसाइल नहीं है कि किसी में शोर शराबा हो, कोई झगड़ा हो, कोई दंगा फसाद हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। मनीष कुमार लारेब, क्या कहेंगे आज की इस इवेंट को, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं ये इवेंट? सबसे पहले तो हमारे दिल के बहुत करीब है क्योंकि हम लोग अपने घर से काफ़ी दूर हैं, लेकिन यहाँ पे मंदिर देखते हुए इतने लोगों को सेलिब्रेट करते हुए बहुत ही खुशी मिलती है। और आप क्या कहेंगी, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं मुस्लिम होकर इस इवेंट को अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करते हुए, कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से हमें अपने दोस्तों की और अपने हिंदू बरादरी की खुशियों में भी वैसे ही शिरकत करनी चाहिए जैसे कि हम एज अ मेजॉरिटी करते हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये रौनक वगैरह देख के तो काफ़ी खुशी हो रही है। अच्छा, एक हिंदू मुस्लिम में दोस्ती पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है, रिलीजन बाद में आता है, इंसानियत पहले आती है। और पाकिस्तान में की पहचान ही यही है कि हम इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को जिस तरह नाइंसाफियाँ हो रही हैं, हम खुद, हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ के और इनकी प्रोटेक्शन करें। कब से आप लोग फ्रेंड्स हैं? हमको अभी 3-4 माह हो गए। एक साथ स्टडी कर रहे हैं आप लोग? जी जी बेशक। अच्छा, इस इवेंट में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंजॉय किया आप लोगों ने? जी हम मतलब कि मैं जब वहाँ पे घर पे था तो हमारा रोज़ मंदिर जाना होता था, लेकिन यहाँ पे तो 2-3 महीने से मैं मंदिर नहीं गया, तो यहाँ पे मंदिर आके वो जो सुकून मिलता है वो हमने सुकून पाया जो सबसे बहुत ऊपर है। पीछे से कहाँ से आप बेसिकली? मैं थरपारकर से बिलोंग करता हूँ, मिट्टी शहर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट। सही, तो लाहौर कैसा लगा, लाहौर के लोग कैसे लगे? लाहौर बहुत प्यारा है, और ये बात जो सुनी थी कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा जिमे नहीं, वो बेशक सच बात है। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है लोगों के दिमागों में, कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी सेफ नहीं है। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तान का लाइफस्टाइल कैसा है, खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं? जी बेशक मैं सेफ महसूस कर रहे हैं, अगर मैं अपने इवेंट को यहाँ पे आके एक दूसरे शहर में, एक मेजॉरिटी शहर में आके अगर मना सकता हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और एजुकेशन के हवाले से अगर जहाँ पे मेजॉरिटी के लोग लम्स में पढ़ सकते हैं और मैं भी वही तालीम हासिल कर सकता हूँ तो बेशक हम लोग सब बराबर हैं। क्या कहेंगे, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, आप फर्स्ट टाइम आई हैं, पहले भी आती रहती? मेरी बिल्कुल पहली बार है,
और मैं दोबारा भी आइंदा इंशाल्लाह आती रहूँगी और इसी तरह अपने दोस्तों के साथ उनकी खुशी में शरीक होती रहूँगी और उनके लिए अगर यहाँ पे आने में सुकून है तो मेरे लिए इनके साथ और अपनी इस कम्युनिटी के साथ रहने में सुकून है। इस वक्त हमारे साथ दो बड़ी मज़ेदार सी सहेलियाँ हैं, एक का ताल्लुक है सिख कम्युनिटी से और एक का ताल्लुक है हिंदू कम्युनिटी से, और ये दोनों जो है दिवाली को बड़ा मज़े से इंजॉय कर रही थी, तो मैंने इन दोनों को पकड़ लिया कि जल्दी से और मुझे बताओ कि तुम दोनों में दोस्ती कैसी होगी। क्या नाम है आपका? प्रभजीत कौर। अंजलि। कब से फ्रेंड हो दोनों? बहुत दो साल हो गए हैं। दोस्ती कैसे हुई? बस हम लोग एक दूसरे के घर जा रहे थे, फ्रेंड हो गई। अच्छा, शादी थी ना तो पापा को इनवाइट किया था, तो इस वजह से जब गए तो साथ में दोस्ती हो गई। अच्छा, ये बताओ कि दिवाली का त्यौहार कितना एंजॉय किया जा रहा है? बहुत बहुत, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ दिवाली पे, लेकिन बहुत मज़ा आया आज मुझे, ज़रा भी बोर नहीं हुई मैं। सबसे मज़े की चीज़ क्या लगी? पटाखे। पटाखे जो मैंने चलाए। आप क्या कहोगी दिवाली किस त्यौहार को, कितना एंजॉय करी अपनी सहेली के साथ? बहुत ज़्यादा। कब से आए हो? हम लोग 3 साल हो गए, हम लोग हर साल इधर आते हैं। 3 साल से लगातार यहीं आ रहे हो, क्या वजह, कहीं और क्यों नहीं गए? बस इधर ही आते हैं, फंक्शन वगैरह दिल यहीं पे लगता है। आपका नाम? मेरा नाम गुड़िया है। कहाँ से आई हैं दिवाली किस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए? मैं यहाँ से आई हूँ, दिल्ली दरवाज़ा से। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सब लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। सही। तो बहुत मज़ा आ रहा है। क्या क्या किया अभी तक आपने? मैंने ये पटाखे वगैरह चलाए हैं, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया देखने का भी चलाने का भी, अंदर पूजा भी की है, आरती भी की है, बहुत अच्छा लगा है। पहली दफ़ा आए हैं? पहले भी आती रहती हूँ। नहीं, पहले भी आती हूँ, मेरे कज़न जो है वो खुद पंडित है, मेरी कज़न जो है वो भी पंडित है, उनका भी मंदिर है, वो जो नीले कुमट में मंदिर है वो उनका है, वहाँ से होके हम लोग यहाँ पे आए हैं। मतलब आज आप दूसरी दफ़ा दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो किस दिवाली में ज़्यादा मज़ा आया? यहाँ पे भी ज़्यादा मज़ा आया, वहाँ पे भी मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दिवाली की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग इतना मज़ा आया, ये जो पटाखे वगैरह ये जो चले हैं, ये जो बच्चों ने शोर वगैरह, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सही। सब लोग बहुत खुश हैं और मैं अपनी तरफ से सबको, पूरे मुल्क को दिवाली मुबारक कहना चाहती हूँ। कब से आ रही हैं आप कृष्णा मंदिर में दिवाली और दूसरे त्यौहार की सेलिब्रेशन के लिए? मुझे तकरीबन काफ़ी साल हो चुके हैं, मैं आती हूँ यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ आती हूँ और जब मेरी शादी हो गई है तो अब मैं अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ। आपका नाम? खेत कुमार। खेत कुमार, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। सेम टू यू, आपको भी हैप्पी दिवाली। कहाँ से हैं आप? मेरा ताल्लुक थरपारकर सिंध से है। लाहौर में कब से रह रहे हैं? कोई 3 साल हो रहे हैं। क्या वजह हुई वहाँ से लाहौर आने की? मैं स्टडी के पर्पज से आया हूँ यहाँ पे, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ की डिग्री कर रहा हूँ बेसिकली। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि दिवाली का त्यौहार मनाया क्यों जाता है? अच्छा, देखें बेसिकली दिवाली का त्यौहार है ना, हम दिवाली एक हमारा खुशी का त्यौहार है, क्योंकि जो है ना, जब एक दौर था रावण का, आपको पता है कि रावण को एक वरदान मिला हुआ था हमारे ईश्वर की तरफ से कि वो लाफानी है, ठीक है। उसने तपस्या की, तपस्या के बाद उसको वरदान मिला, जब उसको वरदान मिला लाफानी का, तब वो उसका क्या हुआ कि जो वो लोगों के साथ जुल्म करने लगा और लोगों को कहना लगा कि मैं खुदा हूँ, आप मुझे माने और जो है मेरी पूजा करें। तब जो है लोगों के साथ जुल्म करता रहा, जुल्म करते करते जो है ना, एक दिन ही ईश्वर ने उनके खात्मे के लिए श्री रामचंद्र को भेजा। श्री रामचंद्र जो कि हमारे एक ईश्वर थे और जो हमारे एक देवता थे, वो धरती पे आए, उनकी जन्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि श्री रामचंद्र की जो घरवाली थी सीता माता, उनको जो रावण ने अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद वो जब लंका ले गया, तो लंका लेने के बाद जो श्री हनुमान जी थे हमारे, जो श्री रामचंद्र के भगत थे, उन्होंने अपने भेजा श्री हनुमान जी को कि आप जाएं लंका और लंका से जो है ना आप श्री सीता माता को लेके आएं। मगर सीता माता ने आने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि रावण यहाँ पे लोगों के साथ जुल्म कर रहा है, लोगों को कह रहा है कि मुझे खुदा मानो, खुदा सिर्फ जो हमारा ईश्वर है वही सबसे बड़ा है, रावण तो एक इंसान है।
क्योंकि रावण का ताल्लुक एक ब्राह्मण कम्युनिटी से था। उसके बाद श्री रामचंद्र ने जो है ना लंका के अंदर आए, उससे जंग की रावण और रावण का खात्मा किया। रावण लापानी था मगर ईश्वर की तरफ से हुक्म हुआ और श्री रामचंद्र ने रावण का खात्मा कर दिया। उस दिन क्या हुआ, एक जो जालिम का जो खात्मा हो गया और चारों तरफ से लोग खुशियां मनाने लगे। जब हमारी लक्ष्मी माता, उन्होंने जो है एक ऐलान कर दिया, या कहते हैं कि लक्ष्मी माता की वजह से हम एक जीत की वजह से हम जो एक दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हम बहुत जोश व जज्बे से मनाते हैं। मुझे बताएं कि दिवाली का त्यौहार किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हम जो पूजा पाठ करते हैं, हम अपने वतन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, ये हमारा वतन है, इसलिए हम यहाँ वतन की सलामती के लिए दुआ भी करेंगे, और वतन जो है हमारा हमेशा पाकिस्तान और दुनिया के नक्शे में हमेशा कायम और दायम रहे। अच्छा, एक चीज़ जो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदूज हैं, मुसलमान हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो एक चीज़ सोचते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को उनके राइट नहीं मिलते, ख़ासकर अगर हम बात करें हिंदू कम्युनिटी को, तो यहाँ पर उनके साथ बहुत जुल्म होता है, उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें ना, दुनिया की कोई भी माइनॉरिटी हो, उनके साथ जुल्म होता ही होता है, मगर आप पाकिस्तान को ये कहना कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ जुल्म है, ये बिल्कुल ही चीज़ गलत है। क्योंकि आप देखें ना, आप आज यहाँ पे आई हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप देखें ना कि मसले हर किसी के साथ होते हैं। यहाँ पे हम देखें ना आज़ादी के साथ मनाते हैं। आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाएँ, किसी भी मंदिर में देख लें, अगर उसको कोई भी होली या दिवाली करने से रोकता है, कोई नहीं रोकता। ये पाकिस्तान की आप देखें ना अफवाह, ये पाकिस्तान, आप मंदिर के बाहर जाके देखेंगे तो पाकिस्तान की अफवाज ने हमें सिक्योरिटी फराहम की है। आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया के साथ जो मुसलमान हैं उनके साथ क्या जुल्म नहीं है? आप ये ना सोचें कि पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ जुल्म है, कोई हमारे साथ जुल्म नहीं है। हाँ, कुछ मसले हैं, वो गवर्नमेंट इंशाल्लाह हमारे सॉल्व करेगी जल्दी से जल्दी। बाकी ये कॉन्सेप्ट देना कि पाकिस्तान के अंदर हम जो है ना हमारे साथ गलत हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा। कभी आपको फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश की गई? कभी आपको कहा गया कि आप अपना मज़हब चेंज करें? नहीं, अब क्यों हमें मज़हब चेंज करने को कहा जाता है? कोई नहीं कहता हमें। हम देखें ना, मैं 3 साल से लाहौर में रह रहा हूँ, हम सिंध में रहते थे, हमारे बड़े भी वहाँ पे पैदा हुए हैं, वहाँ पे बड़े वहाँ पे ज़मीनों में दफन हैं, आज दिन तक कोई ऐसा हमारे साथ मसला नहीं हुआ। बाकी फोर्स कन्वर्जन का इशू है, वो है अपनी जगह पे इशू, मगर उनको इंशाल्लाह पाकिस्तान गवर्नमेंट उस पर कंसर्न कर रही है, और हमें जो है ना, हमें अपने इदारों पर मुकम्मल एतमाद है कि वो हमें इंसाफ देगी, और हमारे लिए ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे ताकि वो फोर्स कन्वर्जन वाला इशू भी है वो भी जल्दी इंशाल्लाह रिजोल्व हो जाएगा। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी किस तरह से अपना दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।